हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और जिससे जो प्रकाश अपने पास पहुंच रहा है वो 8 मिनट में पहुंच रहा है। और प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हो रही है? सनलाइन से, ध्यान दें, सनलाइन से, नाभिकीय सनलाइन से प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है। और ये क्या है? एक तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का जो नियम है केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। दूरदर्शी खोज गैलीलियो ने की थी और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं, पहले 9 थे अब 8 हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। हमने बुध से शुरू किया तो बुध पास में हो गया और जो नेपच्यून है वरुण है वो सबसे दूर हो गया। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? माने सूर्य के सबसे पास कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये क्रम है। सबसे पास में कौन सा ग्रह है सूर्य के? तो ये बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और शुक्र के बारे में जान लो, क्या है ये? चमकीला तारा है, शाम का तारा है, भोर का तारा है, पृथ्वी की बहन है। क्या? शुक्र। और मंगल लाल ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शाम का तारा भोर का तारा भी कहते हैं। फिर सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है आपका नेपच्यून, ये हमने आपको अभी बताया दिया है। फिर निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह है। क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में है इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। फिर सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका सही उत्तर है हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस। तो ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और फिर क्या होता है? नाभिकीय सनलाइन होता है जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। बिना उपग्रह वाले ग्रह का नाम पूछा जाए तो बता देना बुध और शुक्र, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है, सबको पता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। जो तारों का चक्कर लगाए वो ग्रह कहलाते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाते हैं। फिर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। फिर सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। फिर पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगल। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ऐसी खोजें की जा रही हैं कि मंगल पर लोग जाकर के रहने लगे। तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो इस तरह हमने आपको जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हमने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।